स्टॉक मार्केट टूडेज ग्रीन आर रेड प्रिडिक्शंस बै एम बी ए बी के सिंह स्टॉक मार्केट रेड आर ग्रीन प्रिडिक्शंस बै एम बी ए बी के सिंह साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ चीप और सेमीकंडक्टर का आर्डर टाटा को कितना मिला और वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि टाटा के तेईस चौबीस जो स्टॉक्स हैं उनमें से किस किस स्टॉक को आज रैली का सामना करना पड़ेगा सिर्फ हरियाली अपर सर्किट तो होता ही नहीं है आप जानते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में कुछ भी हो सकता है तो चिप और सेमीकंडक्टर का ऑर्डर टाटा को कितना मिला किस कंपनी को मिला किस स्टॉक को मिला और उस स्टॉक में क्या करने वाले हैं चलिए तो सबसे पहले जानते हैं आज का आज भारतीय आज भारतीय शेयर बाज़ार किस रंग में लाल में या हरे में तीन दस दो हज़ार तेईस तीन अक्टूबर 2023 भारतीय शेयर बाज़ार किस रंग में रंगेगा आज चलिए तो देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों तो फ्यूचर में देखिए नेशडैक फ्यूचर थोड़ा डा ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के भी देख ली जाए नेशडैक फ्यूचर नेशडैक फ्यूचर 2023 दिसंबर में क्या और आज क्या कर रहा है वो भी आप देख लीजिए छः बजकर सन छप्पन मिनट का स्क्रीन शॉट है ये प्लस में है मतलब आपको आईटी सेक्टर मैं इसको लेके आईटी सेक्टर से चलता हूँ दोस्तों आईटी सेक्टर में हल्की फुल्की आप देख लीजिए अभी सुबह सुबह का सात बजे है अभी दो घंटे बाकी है दो घंटे बाद क्या होगा कौन जानता है लेकिन नेशडेक फ्यूचर जो है आपका बढ़िया है चलिए गिफ्ट निफ्टी की बात कर लें तो गिफ्ट निफ्टी का जो है ये सात बजकर चार मिनट का ये हमारा स्क्रीनशॉट है छब्बीस रुपया लाल निशान में दिखा रहा है ये और ये गिफ्टी गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की बात है आ जाइए डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करेंगे तो डाउ जोन्स फ्यूचर भी क्या है कह रहा है क्या कि बैंकों का हाल भी थोड़ा खस्ता रहेगा मामूली से अभी तो सात बज बज रहा है हो सकता है आपकी सात लगभग साढ़े सात बजे आप वीडियो देख रहे होंगे ये भी हो सकता है तो आधा घंटा पहले का ये स्क्रीन है अभी क्या है आप ख़ुद भी थोड़ा देख सकते हैं तो फ्यूचर की स्थिति में कुल मिलाकर क्या है कि कुछ समझ में अभी तक नहीं आया है एक घंटे बाद समझ में आ जाएगा लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति दोस्तों ये जो है कल का आपका स्क्रीनशॉट शॉट दो अक्टूबर का है फ्यूचर का और ये माइनस में बंद होता है अगर पहली बार आए तो कल का शाम का वीडियो एक जो है हमारा कल क्या करेंगे बी सी जी जी बी के जी टी एल सुजलैंड एनर्जी बोडाफोन येस बैंक आई आई आर एफ सी आर्मी नीरकोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पी एफ सी और एस जे वी एन एन एस पी सी में वो वीडियो जरूर देखिएगा आपको बहुत काम आएगा चलिए और ये कल का ही शाम का स्क्रीन शॉट है ये उस समय लंडन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप का ये भी लाल निशान में चल रहा था जब हमने इस पर नज़र बना रखा था दूसरी तरफ एफ टी एस सी हंड्रेड ये भी लाल निशान में चल रहा था आज के आ दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं कैक्स ये भी लाल निशान में सिक्सटी सिक्स पॉइंट और ये आपको डैक्स परफॉर्मेंस एफ इंडेक्स क्या था ये भी लाल निशान में चल रहा था ये कल की बात है देखिए ना कल की बात है ये सब दो अक्टूबर की बात है शाम की कल हम लोग का मार्केट दो अक्टूबर को छुट्टी था इसलिए लेकिन बाकी स्टॉक मार्केट चल रहा था दुनिया के अब आइए नेक्स्ट जीरो पॉइंट टू सेवन ग्रीन में था रसेल टू हंड्रेड टू थाउजेंड की बात करेंगे तो ये भी वन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट का रेड में था और न्यू के स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये भी वन पॉइंट थ्री एट के लाल निशान में चल रहा था दोस्तों और ये आपको चल रहा था सभी के सभी लगभग आठ बजे की बात है चलिए एस एन पी फाइव हंड्रेड भी चल रहा था कल लाल निशान में और ये है दो अक्टूबर की नेक्स्ट डे कल का जो चल रहा था चालीस था अभी धीरे धीरे फ्यूचर जो है तीन पॉइंट हो गया है डाउ जो तो एक छप्पन था लेकिन धीरे धीरे रिकवरी किया था देखिए ना ये कब का देखिए ये है आपका वहाँ का तीन चार घंटा होने के बाद अभी आपको दिख जाएगा कि उसके बाद ये वीडियो जस्ट इसके बाद पी एक है कि एक महीने में कौन सा पावर आपको दोगुना करने वाला है जिसमें आपको ये सब जे एस डब्ल्यू एनर्जी अडानी पावर रतन इंडिया पावर टाटा पावर एक्साइड इंडस्ट्री अमर राजा बैटरी अमर राजा बैटरी जो है आपको बहुत बढ़िया स्थिति में जे एस डब्ल्यू एनर्जी रखना है रतन इंडिया पावर आर पावर रिलायंस पावर जे पी पावर टोरेंट पावर आई नक्स ग्रीन एनर्जी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये सब वीडियो जरूर देखिएगा चलिए अब आते हैं दोस्तों ये अर्निंग कार्ड टाटा पावर की स्पेशल मैं बात कर लूँ और निफ्टी फिफ्टी के भी बात करना ज़रूरी है तो थोड़ा सा हम टाटा पावर की बात इसलिए बीच में आ गए कि आपको रेवेन्यू जनरेटर की बात करेंगे तो जून 2023 में जो हो रहा था ये 4.99 परसेंट का इंक्रीज था रेवेन्यू नेट इनकम 22 पॉइंट रेवेन्यू 4.95 और नेट इनकम 22.39 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.61 परसेंट एंड नेक्स्ट कॉल अर्निंग कॉल देखें तो आपको जून जून ईपीएस पी बाय 10.51 परसेंट और मार्च में देखेंगे तो मिस हुआ था माइनस में लेकिन ये बहुत ही बढ़िया इसको बीट किया और और सितंबर 2022 के अपेक्षा आज के डेट में टाटा पावर की बात कर रहा हूँ दोस्तों ये देखिए ना टाटा पावर है कि क्या है टाटा पावर है चलिए यहाँ पता चल जाएगा यहाँ नहीं पता चला यहाँ पता चल जाएगा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और ये दो सौ बासठ रुपये का प्राइज़ है अब इसमें क्या है आज चलिए देखते हैं दो सौ बासठ रुपये के प्राइस जो टाटा पावर है वो आज क्या पावर दिखाता है अगर हम आपसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है आपको बढ़िया मुनाफा कमाई करके देने वाला है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ जो है आपको ये कर रहा है कि एक बार इसमें प्रॉफिट मार्जिन बुक कर लीजिए अमर राजा बैटरी एक बढ़िया स्टॉक है आपको लेने के लिए और ये जल्दी ही आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाई कराएँ बहुत वेरी गुड स्टॉक है इसको अपने रडार पर आज कमाई ज़बरदस्त और होल्ड करके भी आप डिलीवरी में भी ले कर रख सकते हैं अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड ग्रेफाइट इंडिया ये एक स्टॉक हमारे रडार पे आया है वो आपको इसको भी थोड़ा रडार पर रखेंगे और इसलिए कि ये इस पोजीशन में है ये थोड़ा सा एक आज भर देखेंगे दोपहर तक फिर इसमें आपको एक फ़ाइनल वीडियो बनाएंगे उसमें ज़रूर आपको ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट आपको सफ़ायर फूड इंडिया लिमिटेड ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये सब रडार पर रखिए एक बढ़िया स्थिति में थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ये बढ़िया कमाई करने का एक जोमैटो तो, प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाइए वरना नुकसान से कोई बचाएगा नहीं अभी जोमैटो तो, प्रॉफिट बुक मार्जिन मतलब जो प्रॉफिट में है उसका मार्जिन निकाल कर उतना पैसा प्रॉफिट को शेयर बेच कर बाकी छोड़ रख दीजिए जोमेटो तो में इसलिए कि ये टॉप पे है दोस्तों हाँ देवानी इंटरनेशनल स्टॉक ये ये एक बढ़िया स्टॉक है लेकिन इसमें भी प्रॉफिट बुक मार्जिन हमारी राय यही है देवानी इंटरनेशनल कॉलगेट पामोली रड रडार पर रखना है और कुछ दारू वाइन बनाने वाले जो कंपनी हैं वो भी हमारे रडार पे इसमें आएंगे आपको देखिए आपको आई गए यूनाइटेड स्प्रिट वरुण बेवरेज यूनाइटेड बेवरेज रेडिको खेतान और ग्लोबस स्प्रिट ये सभी रडार पर रख लीजिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले और दूसरी बात कि आ रहा है अब कौन सा तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 की आगाज़ हो चुका है और सभी स्टॉक अपने रडार पर रख लीजिए वाइन स्प्रिट और शराब दारू बनाने वाले जितनी भी कंपनियां हैं क्योंकि ये अब जानते हैं ठंडी में भी लोग क्या यूज़ करते हैं तिलक नगर इंडस्ट्री तो कमाल कर दिया दोस्तों ये स्टॉक तो एक हज़ार परसेंट से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया ग्लोबस स्प्रिट तिलक नगर इंडस्ट्रीज और दूसरी आपको मैं बता दूं एक स्टॉक है हमारे रडार पे आई एफ बी एग्रो इंडस्ट्रीज इसको रडार पर रखिए यूनाइटेड स्प्रिट तो रोज बार बार बताते हैं अच्छा एक स्टॉक है हमारे ये रबी कुमार डिस्टेलरी ये भी दारू बनाने वाली कंपनी है लेकिन इसका क्या है सब कुछ माइनस में दोस्तों लेकिन हम रडार पर काफ़ी दिनों से इसको रखते आ रहे हैं मार इसका कुछ भी मतलब सब माइनस में है सैतालीस करोड़ लगभग सैतालीस करोड़ आठ सौ अस्सी सैतालीस करोड़ अट्ठासी सतासी सैंतालीस पॉइंट सैंतालीस पौने अड़तालीस अड़तालीस करोड़ का मार्केट है क्या है इसका कुछ नहीं लेकिन रडार पर रखिए क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ही तिलक नगर था तिलक नगर भी ऐसे था बाईस तेईस रुपया चौबीस रुपये का स्टॉक रहा करता था आज दो के पार है तो कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता कौन किधर से किधर पूरा हो सकता है कि अगर इसका बढ़िया फंडा हो बढ़िया इसकी कामकाज हो बढ़िया मैनेजमेंट हो तो क्या करते हैं जितनी भी दारू वाली फैक्ट्री कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टर हैं उसमें ऐसे आकर इसमें घुस जाएंगे तो यही तो होता है तो रडार पर रखे रहिए इसको ठीक है चलिए दोस्तों तो आप अगर पहली बार आएँ हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी को बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आज करना क्या है तो आज करना क्या है वो हम आपको बता दें कोई भी हो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो बेचने वाले बेचने वाले सुबह ही बेच कर निकल जाएं, खरीदने वाले ग्यारह बजे तक इंतजार करें यही आज की रणनीति है जय हिंद जय भारत में लाइक कर दीजिए